बाद आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है मेरे पक्ष में वोट दे देना, अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनाहगार है मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को अपराध का एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है तो चुनाव के बाद उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिहा होके आया है ये कैसा क्यों बोल रहा है, अभी अभी